फाइल सेव करेंगे आज की डेट में, डेस्कटॉप टीटीएस सीएसएस फ्लैक्स बॉक्स एक्सटेंशन डॉट एचटीएमएल, टेकिंग अ डॉक टाइप एचटीएमएल, डिफाइन करेंगे एचटीएमएल हेड टाइटल फ्लैक्स बॉक्स हेड क्लोज, इंटरनल कोडिंग करेंगे डिफाइन करेंगे स्टाइल स्टाइल क्लोज, ओपन करेंगे बॉडी बॉडी क्लोज एंड एचटीएमएल क्लोज। ठीक है, तो बेसिक अपने टैग कंप्लीट, फाइल कंट्रोल एस और इस फाइल को हम लोग यहाँ से करेंगे रन। ये आ गया अपना यहाँ पर, तो फ्लैक्स बॉक्स का हम लोग एक एग्जांपल यहाँ बनाएंगे। बॉडी में हम लोग जाके यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं एक डिव और इसको हम लोग एक क्लास ऑफर करेंगे यहाँ पर विच इज हेडर, एंड डिव को हम लोग क्या करेंगे यहाँ से क्लोज एंटर करेंगे और यहाँ पर लोग जाके एक डिफाइन कर लेते हैं जैसे कि एच टू और हमने इसको नेम क्या दिया हेडर। इसी तरह से हम एक फुटर बनाएंगे और यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर देंगे इंस्टेड ऑफ हेडिंग पी टैग और इसमें हम लोग क्या लिखेंगे फुटर। और एक और हम लोग यहाँ पर बनाएंगे इसको हम लोग यहाँ पर नेम दे देते हैं लाइक रो। रो के अंदर हम लोग यहाँ बनाएंगे एक और डिव जिसको हम लोग नेम यहाँ से डिफाइन कर देंगे क्या कॉलम्स, और यहाँ पर लोग जाकर डिफाइन कर देंगे कॉलम 1 2 3, हमने यहाँ पर थ्री कॉलम्स बनाए इस तरह से। सो स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, एक हेडर है एक फुटर है बीच में रो है तीन कॉलम्स हमारे पास। इधर आएंगे और यहाँ जाकर हम लोग इसके लिए डिफाइन करेंगे प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सबसे पहले वो लिखेंगे यूनिवर्सल सेलेक्टर और इस यूनिवर्सल सेलेक्टर में हम लोग यहाँ जाकर डिफाइन करेंगे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। इसका मतलब पता है सभी को? नहीं पता, अभी तक हमने कहीं ट्राई नहीं किया नहीं किया। तो देखो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स से करते हैं, लेट्स से मेरे पास एक बॉक्स है 300x300। अब जब आप उसमें पैडिंग डालते हो कोई, तो पैडिंग क्या होता है आपकी जैसे 300 की हाइट है, मैंने लिखा पैडिंग फ्रॉम टॉप से 20 पिक्सल्स, तो 320 हो जाएगी हाइट हमारी। बॉर्डर बॉक्स क्या करेगा 320 नहीं होने देगा, 20 की पैडिंग लगा देगा लेकिन पैडिंग को लेस भी कर देगा टोटल हाइट में से ऑटोमेटिक। तो जरा इसका एग्जांपल समझते हैं पहले, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर एक डिव बनाया है जिसका नेम है क्लास, क्या रखा हमने इसको नेम बॉक्स, और इसको यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। बाकी के लिए कोड बाद में लिखेंगे और यहाँ पर मैं लिखा डॉट बॉक्स और इसको हमने फिर सेट किया कितना लिखा 300 पिक्सल्स, हाइट में लिखा इसका 300 पिक्सल्स। एक बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं इसके अंदर लाइक FCO, दैट्स इट। और इस फाइल को अपने ब्राउज़र में आके क्या कर लेना है रिफ्रेश, बॉक्स बना। अब हम यहाँ पर लिखते हैं पैडिंग, कैसे पता चलेगा पैडिंग काम कर रहा है, तो मैंने लिखा इसको बॉक्स, तो टेक्स्ट बिल्कुल लेफ्ट और टॉप में आ रहा है। अगर मैं पैडिंग लिखूँगा इसके ऊपर ओनली पैडिंग कीवर्ड, तो पैडिंग चारों तरफ से अप्लाई होगा। हमने लिखा लाइक 20 पिक्सल्स, तो 20 पिक्सल का मतलब यह 20 पिक्सल फ्रॉम टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, यानी कि विड्थ जो मेरी अब हो जाएगी 340 और हाइट मेरी होगी 340।
अगर मैं ये लाइन हटा लेता हूँ तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा, बड़ा साइज बड़ा बड़ा। लेकिन अगर मैं बॉर्डर बॉक्स को डाल देता हूँ तो आप देखना ये उतना ही रहा, लेकिन पैडिंग भी अप्लाई हो गया। कुछ डिफरेंस समझ आया? बॉर्डर बॉक्स ने क्या करा, पैडिंग जो 20 पिक्सल्स का आप लोगों ने 300 में ऐड किया, उसने उसको लेस कर दिया ऑटोमेटिक। 300 ही है विड्थ अभी भी इसकी, लेकिन पैडिंग भी साथ में काम कर रही है। पैडिंग नहीं, पैडिंग बड़ा करते हैं, सीधी सी बात है। जब आप किसी बॉक्स को बॉर्डर देते हो तो बॉर्डर अपना एडिशनल स्पेस लेके चलता है, वैसे ही पैडिंग भी आपका हमेशा एडिशनल स्पेस लेके चलता है, ठीक है। हाँ, यानी कि हमने बॉक्स के अंदर डाला है ना, तो बॉक्स बड़ा होगा, तो हम चाहते हैं कि बॉक्स बड़ा ना हो, तो उसके लिए आप क्या लिखोगे? अगर मैं आपको ये कीवर्ड ना बताऊँ तो आप लिखोगे यहाँ पर विड्थ हो जाए इसका 260, हाइट हो जाए 260, तभी तो 40-40 एडजस्ट होगा। लेकिन मैंने क्या यहाँ पर घटाया? नहीं ना, हमने बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स से इस चीज़ को हैंडल कर लिया है। अब जितने पैटर्न डालोगे वो 300 में ही रहेगा, 300 प्लस नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये होता है बॉर्डर बॉक्स का कमाल। अब इसको हम लोग डिलीट कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बॉडी टैग को टारगेट कर रहे हैं। बॉडी क्या है? जिसके अंदर हमारा पूरा डिज़ाइन बन रहा है। तो बाय डिफॉल्ट हमारा फॉन्ट्स क्या था? टाइम्स न्यू रोमन। मैं फॉन्ट फैमिली चेंज कर रहा हूँ। हमने यहाँ पर क्या लिखा? एरियल, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर रीलोड करें देखो फॉन्ट चेंज हो जाएगा। चेंज हो गया, पहले मैं फ़ॉन्ट का टाइप डिफरेंट आ रहा था, कर्सिव सा आ रहा था। तो ज़रा हटा के चेक करके देखो डिफरेंस में आएगा चेंज इस तरह से। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे डॉट हेडर। हेडर पर जाकर हमने डिफाइन किया बैकग्राउंड कलर, और कलर में हमने जाकर यहाँ डिफाइन किया लाइक F1 F1 F1। नेक्स्ट हमने यहाँ पर जाकर डिफाइन किया पैडिंग। हम चाहते हैं मेरे हेडर में चारों साइड से 30 पिक्सल्स का पैडिंग अप्लाई हो जाए, और टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है वो क्या हो जाए? सेंटर। और फॉन्ट का जो साइज़ है मेरा H2 का वो कितना हो जाए? समझ आ रहा है? ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर, पैडिंग, टॉप बॉटम में आप देख रहे हो गैप। अगर मैं पैडिंग से वापस ले लेता हूँ तो आप देखिए टॉप बॉटम का जो गैप है वो कम हो जाएगा। जैसे आप लगा दोगे वापस से आपको दिखाई देगा। लेफ्ट राइट का आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे क्योंकि मेरा मैटर सेंटर लाइन है। लेकिन अगर मैं इसको राइट क्लिक करके आपको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं इसको, तो आपको पैडिंग पे समझ में आएगा। दिखाई दे रहा है? जो पैडिंग है वो ग्रीन कलर से दिख रहा है, जो मेरा कंटेंट है वो मेरा ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है। टेक्स्ट लाइन सेंटर से हमारा सेंटर में आया, फॉन्ट साइज 35 से हमारा इसका साइज बड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करेंगे रो के लिए क्लास। तो मैं इसी को कॉपी करूंगा, क्लास का नेम क्या हो जाएगा? रो। रो में हम लोग यहाँ पर जाके कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे, जैसे कि डिस्प्ले। डिस्प्ले में क्या लिखेंगे? फ्लैक्स, ठीक है। फिलहाल मैं इसका नाम रोज कर देता हूँ, आपको बाद में समझाएंगे। पहले फिल्म में क्या लिखते हैं? क्लास का नेम हमने क्या रखा है? कॉलम। कॉलम में हमने क्या लिखना है यहाँ पर कि पैडिंग जो है वो 10 पिक्सल समथिंग का रहे, और हाइट जो है मेरे कॉलम की वो कितनी हो जाए? 300 पिक्सल्स। और आपको दिखाई दे उसके लिए क्या लिखेंगे? आउटलाइन 1 पिक्सल, सॉलिड एंड ब्लैक। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें पता है कि जो डिव होता है वो ब्लॉक होता है, और हर बार एक न्यू लाइन ऑटोमेटिकली वो क्रिएट करता है। तो डिव के नीचे डिव, डिव के नीचे डिव, हमारे इस तरह सारे। लेकिन हमें क्या चाहिए? एक ही रो में कॉलम के फॉर्म में। तो क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम लोग एक्टिवेट करेंगे रोज जहाँ पर लिखा है। हमने इसको क्या बोला? डिस्प्ले फ्लैक्स, क्योंकि भी कॉलम किसके अंदर है? रो के अंदर। तो जैसे मैंने ये लिखा देखो तीनों इस तरह से कन्वर्ट हो गए, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि 3 इक्वल कॉलम में डिवाइड हो, तो आप यहाँ पर क्या जाके लिखेंगे? लिखेंगे आप यहाँ पर फ्लैक्स कॉलम के अंदर 1 1, मतलब 100%, यानी तीनों अपने आप में इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। मुझे कुछ लिखना तो नहीं पड़ा, 33.33 ऑटोमेटिक हो गया मेरा काम। तो फ्लैक्स में देख रहे हो मेजरमेंट कितना आसान हो गया आपके लिए फटाफट से। तो अगर मैं ये काम फ्लॉट से कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? फ्लॉट लेफ्ट, फ्लॉट लेफ्ट, फ्लॉट लेफ्ट 3 बार चलाओगे आप, अगर 3 अलग अलग कॉलम हो। यहाँ पर कोई फ्लॉट की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, सीधे फ्लैक्स, और फ्लैक्स में 100% हो गया, ठीक है। हम चाहे तो फ्लैक्स के ऊपर इसमें वैल्यू भी लिख सकते हैं कि फ्लैक्स में इतने पिक्सल्स का ये बनेगा, बट जरूरत नहीं। फ्लैक्स का मतलब ये होता है फ्लैक्सीबल, ठीक है। नेक्स्ट हम बनाएंगे इसके अंदर फुटर। अगर आप तीनों को कलर देना चाहते हैं अलग अलग, तो आप यहाँ पर इस तरह से कलर डिफाइन करेंगे, लिखेंगे कॉलम
nth चाइल्ड, नहीं आप लिखेंगे रो, रो के अंदर क्या लिखेंगे nth, nth चाइल्ड वन, यहाँ जाके आप डिफाइन करेंगे इस तरह से बैकग्राउंड, जो भी कलर आपको समझ में आता है वो यहाँ जाके आप डिफाइन कर देंगे। और रो के अंदर हमारा क्या है div, कलर आ गया। इसी तरह तीनों को अलग अलग कलर ऑफर कर सकते हो डालना चाहो तो। अगर आपको तीनों का एक ही रखना है तो फिर आप सीधे यहीं पर ही कॉलम में कलर असाइन कर सकते हो, तीनों पे कलर है क्योंकि मैंने इसलिए आउटलाइन पहले से ही ऐड कर दिया। नेक्स्ट हमें बनाने फुटर, तो हेडर की कॉपी लेंगे, ये बन जाएगा हमारा फुटर कॉपी, यहाँ पर पेस्ट, नेम क्या रखा हमने फुटर। अब फुटर में आप क्या करना चाहते हो, कलर सेम रखना चाहते हैं, पैडिंग वगैरह जो है वो हम लोग यहाँ पर टैन कर दें, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, और फॉन्ट का साइज मुझे चेंज नहीं करना है इसमें, हो गया। तुम्हारा स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया, ये हेडर है, ये फुटर है, इस रो में तीन कॉलम। पूछो सर, जैसे हमने ऊपर अभी इसको स्टाइल के अंदर हमने कॉलम कॉलम सुना है, तो उसकी वैल्यू एक रखी है, हाँ, तो जैसे हम कॉलम्स का जो नाम आ रहा है वो चेंज करेंगे अलग अलग मटेरियल के हिसाब से, तो वैल्यू चेंज तो नहीं हो जाएगी? नहीं, तो वो कॉलम सर से उसको दिख कैसे रहा है कि ये कॉलम है? ये इसको ये तीन कॉलम कैसे पता चल रहे हैं? ये इससे पता चल रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कॉलम क्लास बनाया ना, तो तीन कॉलम जब हमने यहाँ पर बनाए, मैं कल यहाँ पर चार कर देता हूँ, तो आप देखना चार कॉलम भी आपके इजीली यहाँ पर इक्वली साइज में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को फ्लॉट से करोगे तो फ्लॉट में आपको चौथे की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, फ्लैक्स में ये नहीं करना। हाँ कुछ भी लिख लो, संता वंता रोहन मोहन सर, कोई दिक्कत नहीं है इससे, कोई मतलब हाँ नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इसको रेस्पॉन्सिव कैसे करें। रेस्पॉन्सिव का मतलब ये हो गया कि जैसे मैं यहाँ से मोबाइल मोड का बटन दबाऊँ तो ये चेंज हो जाए। ठीक है, तो ऊपर और नीचे का पार्ट तो रेस्पॉन्सिव हो गया ऑटोमेटिक, बीच वाले पार्ट भी मेरे रेस्पॉन्सिव है, लेकिन ये स्क्वीज हुए, मुझे ब्रेक करना है। तो मैं ये किसको कमांड दूंगा, यहाँ से क्या लिखेंगे इसके लिए, हम लोग यहाँ जाके लिखेंगे एट द रेट मीडिया, और यहाँ पर जाकर हम लोग लिखेंगे मैक्स विड्थ अगर है 600, तो यहाँ पर कुछ मैजिक परफॉर्म होना चाहिए। मैजिक क्या होगा, हम यहाँ जाके लिखेंगे रो में, रो में हम लोग जाके क्या लिखेंगे कि जो फ्लैक्स का डायरेक्शन है वो बाय डिफॉल्ट जब हम लोग डिस्प्ले फ्लैक्स लिखते हैं तो फ्लैक्स का डायरेक्शन हो जाता है रो। हमें बोलना है कि रो नहीं होगा कॉलम होगा, मोड हम लोग चेंज कर दे रहे हैं। जैसे आप ये लिखेंगे रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम स्पेलिंग गलत होगी ना, हाँ अभी कुछ है फ्लैक्स डी आई आर ई सी टी आई एन कॉलम, ठीक है, मैक्स विड्थ 600 हमने लिखा, लेकिन अब हो गया देखो चेंज। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली हम चाहते हैं इसकी हाइट जो है वो चेंज हो जाए। तो जब ये मेरा यहाँ पर मोड चेंज हुआ तो मेरी हाइट जो 300 है वो बदलनी चाहिए, तो आप यहाँ जाके क्या लिखेंगे डॉट कॉलम हाइट इज, सॉरी कितनी थी, 300, और इस तक हाइट पहुँचाने के लिए हमें यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा। यहाँ जाओ डॉट कॉलम, डॉट कॉलम की हाइट हमारी होगी 300 पिक्सल रोटेट, नहीं मोबाइल मोड पे जब आएंगे तो बदलना पड़ेगा ना फिर से, ये तो डेस्कटॉप मोड के लिए हो गया। पहले चेक करेंगे क्या हम लोग कलर पहुंचा पा रहे हैं इस तक, कलर जा रहा है, तो हाइट डालने के लिए मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा विड्थ इज 300, ठीक है,
हाइट ट्रिगर होनी चाहिए। क्या चक्कर है, चेक करो। मोड चेंज हो रहा है तुम्हारा, ये वाली क्लास यहाँ पर पहुंची है। ट्राई करके देखेंगे एक बार। HEIGHT और कलर रेड। नहीं, वो एंड में लगेगा, अगर हम लोग इम्पोर्टेंट लिखते हैं तो बाद में जाता है। फिलहाल हम इसकी जरूरत हटा दें, काम नहीं कर रहा। ट्रिगर हो रहा है लेकिन हाइट भी बढ़ा रहा है, ये क्या चक्कर है। एक बार जरा इसको यहाँ से चेक करें। इंस्पेक्ट, फोर हंड्रेड पिक्सल्स हमारा यहाँ पर जा रहा है। हमने फ्लेक्स की डायरेक्शन किया है रोटेट। ओके, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। तो हमने अपनी फ्लैक्स की डायरेक्शन को रोटेट किया है, तो आपको जो हाइट देनी पड़ेगी वो यहाँ देनी पड़ेगी इसमें। तो हमारे पास कितने कॉलम हैं, टोटल फोर। तो यहाँ पर हाइट में थ्री, थ्री मल्टीप्लाई फोर इक्वल टू ट्वेल्व, ठीक है। और जैसे आप रिलोड करेंगे, मोड चेंज करेंगे, ठीक है, मोबाइल मोड डिफरेंट, तो इस तरह से हमारा ये चेंजेबल रहेगा। तो ये है आपका फ्लैक्स का बेनिफिट। तो रिस्पॉन्सिव करने के लिए हमें देखो इस तरह से अलग से क्लास लिखनी पड़ती है, तो आपका ये वाला पार्ट काम करता है। इसी तरह से आपका एक पार्ट आता है ग्रिड, ठीक है। तो ग्रिड को हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं, आज डिज़ाइनिंग नहीं करा रहा हूँ, आज सिर्फ आपको फ्लैक्स में किस तरह से लिखते हैं हम लोग कोड और ग्रिड में किस तरह से लिखते हैं वो समझ रहे हैं। तो योगा हमारा सी एस एस फ्लैक्स बॉक्स हुआ, सी एस एस ग्रिड एक्सटेंशन डॉट HTML। तो देखो ग्रिड में क्या चेंज आता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि रो नहीं होता ग्रिड में, देख सकते हैं मैंने बीच वाले कॉलम से रो वापस ले लिया और हमने एक मेन कंटेनर बनाया जिसको हमने जाकर नेम यहाँ पर क्या डिफाइन किया, ग्रिड कंटेनर कर देंगे ताकि आपको मीनिंगफुल समझ में भी आए। फिर हमारे पास क्या है, हेडर। हेडर के बाद हमारे पास क्या है, तीन कॉलम है जिसको मैं फिलहाल के लिए पर्पजली नेम अलग अलग डाल देता हूँ। ये हो गया मेरा लेफ्ट, ये हो गया मेरा मिडिल या सेंटर, और ये क्या हो गया हमारा और ये अपना फुटर। इसका नेम वैसे ही रखो, लेफ्ट मिडिल एंड राइट, ये हमारे तीन कॉलम और ये अपना फुटर। अब जरा इसकी हैंडलिंग करेंगे यहाँ से। तो रो कॉलम को डिलीट कर दो, फुटर हमारा एज इट इज रह जाएगा, इसको भी हटा दो फिलहाल के लिए। ये सब कुछ हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं इसके अंदर। तो हम लोग क्या क्या चेंज करें इसके अंदर, तो जो हमारा हेडर वाला पार्ट है इसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, पैडिंग वगैरह आपने कितना रखना, वो सारी चीज़ में सेट कर लो। एक जो नया हमने कीवर्ड इसमें डाला वो है ग्रिड एरिया, हमने इसका क्या नेम दिया, हेडर।
अब ये मैं हेडर का पार्ट है तो मैंने इसके लिए इसको नहीं, मैं हेडर दिया है, आपको जो नेम्स अच्छा लगता है वो डाल दो, अपना नाम डाल लो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक ग्रिड कंटेनर ले लेते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे क्लोज, यहाँ पर क्या लिखेंगे डिस्प्ले, जहाँ पहले फ्लैग्स था वहाँ पर क्या हो जाएगा ग्रिड, इसको सही करो, फिर आप लिखेंगे ग्रिड टेम्पलेट एरियाज, और यहाँ जाके हमने डिफाइन करना है हमारा जो हेडर है उसको, यहाँ पर आप कॉल करोगे, हमने लिखा हेडर 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 हेडर, हमने 6 टाइम कॉल किया इसको। अभी 6 टाइम क्यों कॉल किया इसका मतलब हमें समझ में आना चाहिए, है ना, तो समझेंगे इसको। ऐसे हम लोग जो लेफ्ट वाला पार्ट बना रहे हैं और जो राइट मिडिल वाला है और राइट वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि हेडर नीचे 2 कॉलम में लेफ्ट पार्ट कॉल हो, 2 में मिडिल वाला पार्ट कॉल होना चाहिए और 2 में क्या होना चाहिए राइट, और इस पूरे के नीचे फुटर आना चाहिए सब में। तो फुटर को हम लोग कितनी बार लिखेंगे, 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6, क्लियर है, ये हमारा फुटर बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर इतना पार्ट डिफाइन करने के बाद आपने क्या करना है नेक्स्ट, यहाँ पर आप जाएंगे लिखेंगे लेफ्ट जो हमारा डिव है, फिर जो हमारा मिडिल है, फिर जो हमारा राइट है, इन तीनों की प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं इन तीनों के लिए, पैडिंग इज 10 पिक्सल एंड हाइट इज 300 पिक्सल्स, ये हमने डिफाइन कर दिया यहाँ पर। इसके बाद आपने इन तीनों को फिर अलग अलग डिफाइन करना है, क्या लिखेंगे ये वाला कीवर्ड ग्रिड एरिया, क्या लिखेंगे यहाँ पर लेफ्ट, क्योंकि हमने लेफ्ट को कॉल किया ना ऊपर, ऐसे तीनों को डिफाइन करो, लेफ्ट यहाँ लिख दो मिडिल, यहाँ पे क्या लिखेंगे राइट, यहाँ पे क्या लिखेंगे राइट, यहाँ पे क्या लिखेंगे मिडिल, ये हमने तीनों को यहाँ पर डिफाइन कर देना है इस तरह से बस। अब हमारा क्या रहता है नीचे फटर वाला पार्ट, फटर में जाकर हम लोग क्या लिखेंगे ग्रिड एरिया इज फटर, बस वक्त आ गया इसको चेक करने का, यहाँ जाओ और एक आउटलाइन जरूर डाल लेना, आउटलाइन 1 पिक्सल सॉलिड एंड कलर इज ब्लैक, ये CSS फ्लैक्स बॉक्स है, हम ओपन करेंगे अपना ग्रिड, तो बन गया हमारा ग्रिड वाला पार्ट, ठीक है, हेडर लेफ्ट मिडिल राइट एंड फुटर। अब इसका हम लोग मोबाइल मोड चेक करेंगे कि जब मोबाइल मोड में आए तो ये भी ब्रेक होना चाहिए, तो क्या करेंगे, लिखेंगे एट द रेट मीडिया स्पेस, ध्यान रखना लिखेंगे मैक्स विर्थ लाइक 600, यहाँ पर ये नहीं आएगा, और इसके बाद आपने जाके यहाँ पर डिफाइन करना, लिखेंगे डॉट ग्रिड कंटेनर, यहाँ पर से आपने कॉपी करना है ग्रिड टेम्पलेट एरियाज, और इसको लाके आप यहाँ पर कॉल कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हम लोग बता रहे हैं कि पूरे में हेडर रहेगा, पूरे में लेफ्ट रहेगा, यहाँ पर पूरे में क्या रहेगा मिडिल, 4 5 6 6 टाइम लेफ्ट हटा देंगे, इसमें हम लोग टोटल में क्या रखेंगे राइट, सिक्स टाइम हो गया, फुटर अपना 6 टाइम ऑलरेडी है, यहाँ से एक्स्ट्रा वाइट स्पेस डिलीट, ये हमने यहाँ पर जाकर डिफाइन कर लेना है। अब जब हमने इसको रीलोड किया तो मोबाइल मोड बन के तैयार हो गया, हमने बंद किया डेस्कटॉप मोड बन के तैयार हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, हमने टोटल विड्थ के अंदर जैसे पहले हमने 6 पार्ट में हेडर को डिफाइन करके रखा हुआ था, तो मेरा क्या हुआ 6 टाइम के नीचे हमने 2 कॉलम में डिफाइन किया लेफ्ट, 2 कॉलम में डिफाइन किया मिडिल, 2 कॉलम में डिफाइन किया राइट,
इससे क्या हुआ, डेस्कटॉप मोड में इक्वली तीन कॉलम हमने अचीव किए। फ्लैक्स में क्या लिख रहे थे, फ्लैक्स वन। अब मान लो कि हो सकता है कहीं पर आपको विड्थ घटानी बढ़ानी हो, तो क्या कर सकते हैं आप, लेफ्ट वाले पार्ट का एक कॉलम और बढ़ा दो, मिडिल का एक कॉलम हमने क्या किया घटा दिया, या मिडिल का डबल रखो, मुझे राइट से सिंगल कॉलम का ही रिक्वायरमेंट है। क्या समझ में आया, कोई विड्थ तो है ही नहीं, बस जितनी बार वो नाम लिखोगे उतनी उसकी विड्थ बनेगी। तो इसमें काम जल्दी होता है, कुछ कैलकुलेट नहीं करना, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि रिस्पॉन्सेज जब लोग बनाते हैं तो हमें ज़रूरत नहीं आती इन चीज़ों की। ठीक है, एडजस्ट करता रहेगा। तो ये हुआ आपका इसके लिए। अब जब आप मोबाइल मोड में आओगे तो ऑटोमेटिकली तीन रो बन जाएंगे इस तरह से, डेस्कटॉप मोड में आओगे तो इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा। तो ये लिखने का मतलब क्या है, अब देखो मैं इसको और आपको क्लियर कर देता हूँ, वापस से मैं इक्वल कर रहा हूँ उसको। ठीक है, कंट्रोल एस, रिफ्रेश। तो जैसे मैंने यहाँ पर नीचे सिक्स टाइम लिखा है, इसको नहीं है जरूर, एक बार भी लिख दो तो भी आपका समझदार है, समझ जाएगा। हमने इसको ये प्रोग्राम किया कि भाई तीनों जो है अपने आप में एक रो में कंसिडर होंगे। तो देखो डेस्कटॉप पे कोई चेंज नहीं, मोबाइल पे गए तो मोबाइल पर हमारा काम कर रहा है। ठीक है, इन दो की बढ़ा के दिखाऊं, तो मिडिल को एक बार और रिपीट करो, राइट को नहीं, नीचे तो सिंगल ही रो आएगी ना। मोबाइल मोड में एक हमें जब भी हम लोग कॉलम बनाते हैं सिंगल हो जाता है ऑटोमेटिकली, ये ध्यान रखना। हाँ, तो यहाँ पर देखो हमने ये बढ़ाया, अब देखो टोटल कॉलम कितने बन गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, लेकिन हमें टोटल कितने बनाए थे ऊपर, छः। तो आपको हेडर को रिपीट करना पड़ेगा, इसी तरह से फुटर। अब जब आप यहाँ डेस्कटॉप मोड चेक करेंगे इसका, तो इसका व्यू बदल जाएगा। देखो ये दो बड़े हो गए, ये छोटा हो गया, तो कॉलम बढ़ाने होते हैं इसके अंदर बस। ठीक है, तो मैं आपको अब बिल्कुल लेटेस्ट तक लेके आ गया। लेटेस्ट आसान है कि फ्लॉट आसान था, बताओ है कि नहीं आसान? तो इसलिए इसमें आपका टाइम सेव होगा बहुत ज़्यादा। और यहाँ देखो, अब यहाँ पर देखो आपका चीज़ें, अब कोई नया बंदा देखेगा तो उसको बड़ा डिफरेंट लगेगा, भाई ये किस तरह से चीज़ें कैलकुलेट हो रही है ना। हमारा कोड छोटा हो गया, सारी चीज़ें आसान हो गई इसके अंदर। अब जैसे आपको कन्फ्यूज़न एक आएगा कि भाई हम जब डिज़ाइन बनाएंगे, तो चलो अभी छोटा सा पार्ट था, तो जैसे अब आप जो ग्रिड कंटेनर देख रहे हैं ये आप सेक्शन मान के चलें। जैसे बर्गर टेम्पलेट हम लोग बनाए तो उसका ग्रिड कंटेनर वन हो गया एक पूरा सेक्शन, फिर ग्रिड कंटेनर टू, ग्रिड कंटेनर थ्री, सबके कॉलम रो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो मैं आपको इसी के साथ में ना फ्लॉट के अंदर भी रिस्पॉन्सिव करके दिखा देता हूँ कि फ्लॉट में हम लोग रिस्पॉन्सिव कैसे बनाते हैं। तो फ्लॉट बिल्कुल CSS फ्लैक्स बॉक्स के ऊपर ही बेस्ड है, बस डिस्प्ले जो है आपका वो डिफरेंट हो गया उसके अंदर। तो यहाँ जाओगे और इसमें डिफाइन कर देंगे CSS फ्लॉट, क्या लिखो फ्लॉट, और यहाँ पर जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे .html। इसमें जाओ और यहाँ जाके हम लोग डिफाइन करेंगे, ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी, हेडर वगैरह सब कुछ हमारा सेम रहेगा इसके अंदर, और अपना फुटर वगैरह सारी चीज़ें ये भी एज इट इज़ रहेंगी। तो बस हमने यहाँ पर क्या लिखा था, रो के अंदर डिस्प्ले फ्लैक्स, ये पार्ट आप यहाँ से हटा दोगे, और एक हमने क्या लिखा था फ्लैक्स वन, ये पार्ट आप यहाँ से हटा दोगे इसके अंदर। ठीक है, तो कॉलम जो है उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, फ्लॉट लेफ्ट, यहाँ पर जाकर आपने ये पार्ट डिफाइन करना है। फ्लॉट में मैंने आपको जैसे पहले था विड्थ हमें डालनी पड़ती है, तो 33.33% मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, तब जाके आपका ये वाला पार्ट बनेगा। तो आपको मैंने एक चीज़ बोला था कि जब भी मैंने कहाँ लिखा, हाँ, जब भी किसी रो में कॉलम बनते हैं तो रो को हाइट देनी होती है, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ रो को हाइट बिना दिए हम लोग कैसे काम करा सकते हैं। तो आपने जाके यहाँ पर लिखना रो, रो के आके आप एक सूडो लिखेंगे आफ्टर सूडो, और यहाँ जाके हमने डिफाइन करना है कंटेंट जो है हमारा वो रहेगा ब्लैंक, डिस्प्ले इसके अंदर आप लिखेंगे टेबल, एंड क्लियर में आप लिखेंगे बोथ। कितना पार्ट हमने डिफाइन करना है, तो जो मेरी ये हाइट है वो रो मेरी हाइट ऑटोमेटिकली खुद से अचीव कर लेगी।
तो ज़रा यहाँ जाके हम लोग सी एस एस फ्लॉट को अगर रन करें तो हमारी फाइल का आउटपुट क्या आ रहा है वो आप देखो। यहाँ पर तो हमने 33.33 कॉलम रखा था, तो यहाँ पर हमारे पास चार कॉलम है, इसलिए कैलकुलेशन गलत बैठ रही है, 3 कर देंगे तो ये सही हो जाएगा, परफेक्ट। अब हम लोग इसका मोबाइल मोड चेक करना चाह रहे हैं कि भाई मोबाइल मोड में ये जो इतना गैप बन रहा है ये ना आए, तो क्या करेंगे इसके लिए, हमने यहाँ पर ये डाला था 1200 पिक्सल्स का, ये सब डिलीट करो यहाँ से। हम यहाँ पर इसके लिए मीडिया क्वेरी जाकर डिफाइन करेंगे कि जो कॉलम है डॉट कॉलम, कॉलम की जो विड्थ है वो कितना हो जाए 100% मोबाइल मोड में। कंट्रोल एस, रिफ्रेश, मोबाइल मोड रिस्पॉन्सिव हो गया फ्लॉट, डेस्कटॉप मोड। तो ये 100% क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 33.33% लिख रहे हैं और यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं 100%। तो इस तरह से बेसिकली ये वाला पार्ट आपका फ्लॉट के अंदर भी रिस्पॉन्सिव जो है वो काम कर जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको लेटेस्ट टेक्निक्स क्या चल रही है वो भी सिखा दिया और उनको रिस्पॉन्सिव कैसे करना है वो पार्ट भी आपको सिखा दिया, ठीक है। तो अब हम लोग जो टेम्पलेट बनाएंगे उसको साथ में रिस्पॉन्सिव भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि पहले वाला जो हमारा टेम्पलेट था वो रिस्पॉन्सिव नहीं था, बस ये मीडिया लगेगा तो मीडिया, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको ना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना ले जाके बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर करके दिखाई ये चीज़ें किस तरह से अपने काम करते हैं, तो काफ़ी आसान टेक्निक से इनके ऊपर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है।